हेलो गाइस, वेलकम टू जर्नल स्टडीज। इट्स माय न्यू चैनल ऑन यूट्यूब। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कैरोली टेकैक्स के बारे में। बायोग्राफी ऑफ कैरोली टेकैक्स। 1938 हंगरी के सेना में कैरोली टेकैक्स, जिन्हें पिस्टल शूटिंग के खेल में महारत हासिल थी, वह लगभग नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत चुके थे। कैरोली की एबिलिटी को देखते हुए सभी देशवासियों को पूरा यकीन था कि 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में कैरोली गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। और देशवासियों के साथ साथ कैरोली का भी यही सपना था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में वह हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाएं। आर्मी कैंप में आर्मी के साथ प्रैक्टिस के टाइम अचानक से उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और ऐसा लगा जैसे एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया हो। उनके राइट हैंड में एक हैंड ग्रेनाइट ब्लास्ट हो गया और ये वही हाथ था जिससे उनको गोल्ड मेडल हंगरी के लिए लाना था। और जब यह खबर हंगरी में फैलती चली गई तब पूरे देश में मानो शोक जैसा माहौल बनता चला गया। इस इंसिडेंट को लेकर काफी महीनों तक उनका इलाज चला और इलाज के बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने ठान लिया कि मैं हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है, मेरा राइट हैंड जो मेरा बेस्ट हैंड था आज वो मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड जिसे मैं अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा और इसी से ही अब मैं हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाऊंगा। जिस हाथ से वह लिख तक नहीं सकते थे, कोई काम आसानी से नहीं हो पाता था, उन्होंने वो लेफ्ट हैंड अपने ओनली हैंड को कठिन परिश्रम के साथ पूरे हार्ड वर्क से अपने लेफ्ट हैंड को पूरे एक साल ट्रेन किया और सही एक साल बाद 1939 में ओलंपिक से पहले नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने पहुंचे। और अब तक किसी को भी नहीं पता था कैरोली पिछले एक साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। जब दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने उनको वहां देखा तो सब के सब हैरान हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि कैरोली यहां पर उन सब कॉम्पिटिटर्स का मनोबल बढ़ाने आए हुए हैं। लेकिन उनको झटका तब लगा जब उन्होंने यह कहा कि मैं यहां आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आप सब लोगों के साथ कॉम्पीट करने आया हूँ। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ और कैरोली ने अपने लेफ्ट हैंड से, अपने ओनली हैंड से उस कॉम्पिटिशन को जीत लिया। इस कॉम्पिटिशन में कैरोली को सभी ने अंडर एस्टिमेट किया, सभी ने उनको उनकी इंजरी के लिए दिलासा देने की कोशिश की थी। कैरोली ने इस जीत के साथ साथ सभी को गलत साबित कर दिया। लेकिन कैरोली यही नहीं रुकने वाले थे, वो चाहते थे कि उनका हाथ ना केवल अपने देश के लिए सबसे अच्छा हाथ हो, वो चाहते थे कि उनका हाथ दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड हो। उनका गोल बिल्कुल क्लियर था कि वह एक साल बाद ओलंपिक को जीतने में सफल हो। कैरोली के संकल्प को देखते हुए हंगरी के देशवासी काफ़ी प्रेरित हुए। अब इंतज़ार तो था केवल 1940 में होने वाले ओलंपिक्स का, लेकिन 1940 का ओलंपिक वर्ल्ड वॉर की वजह से रद्द करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों के हौसले और उम्मीदें जैसे बिखर ही गए। कैरोली, मैं अब भी 1944 के ओलंपिक में अपने आप को साबित कर सकता हूँ। कैरोली ने अपनी ट्रेनिंग को 1944 में होने वाले ओलंपिक के लिए जारी रखा। लेकिन कहते हैं, लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मैनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स नॉट रियलाइजिंग दैट एवरीवन हैज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 में होने वाले ओलंपिक नहीं हो पाए। 1938 में उनकी एज थी 28 इयर्स, अब 1948 में उनकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। उन्होंने अपना सारा फोकस 1948 में होने वाले ओलंपिक्स पर रखा और हम सब जानते हैं
जैसे जैसे ओलंपिक या कोई भी कंपटीशन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे कंपटीशन भी इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि कंपटीशन में नए नए कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नए नए यंगर प्लेयर्स आगे आते हैं जो कि कई ज़्यादा फुर्तीले और जोशीले होते हैं। अब पूरे वर्ल्ड से बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और कैरोली अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे। उन्होंने अपने हार्डवर्क एंड ट्रेनिंग से 1948 के ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। अब 1952 के ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट करा जहां उनकी एज हो चुकी थी 42 इयर्स। कैरोली वंस अगेन शोड एन इनक्रेडिबल एग्जांपल ऑफ ट्रू पैशन एंड डेडिकेशन विनिंग द गोल्ड मेडल फॉर हिज कंट्री। दिस टाइम नॉट ओनली डिड ही विन द कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो क्रिएटेड द हिस्ट्री। Nobody had won two gold medal consecutively in this competition before him. And ऐसी informative videos देखने के लिए video like करें, share करें and comment करें and channel को subscribe करें and bell icon को भी press करें ताकि हर informative videos की notification आप तक पहुँच सके।